दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मुगल टैग को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट ये मुगल और आप देख रहे हैं मुगल टैग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल के लिए कैसे इंट्रो बना सकते हैं काफ़ी आसानी के साथ अपने एंड्रॉयड सेट के साथ, ठीक है। उसके लिए आपको सिंपल अपना YouTube चैनल YouTube ओपन करना होगा, ठीक है। YouTube ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च में लिखना होगा इंट्रो विदाउट टैक्स, ठीक है, इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने कॉर्नर पे आपको नज़र आ रही होंगी थ्री लाइन, यहाँ से आपने इसको क्लिक करके और इसके ऊपर क्रिएटिव कॉमर्स पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। इससे ये होगा कि आपके पास वो वाले इंट्रो आएंगे जो मतलब के नो कॉपीराइट्स होंगे, ठीक है। मतलब अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे ये लगाएंगे तो उसमें से कोई सा भी अगर आप लगाते हैं तो उस पर आपको स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगी। तो आप यहाँ से अपना कोई भी चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब इसमें आप काफ़ी ज़्यादा होंगे, मतलब दो चार होंगे, ठीक है, बल्कि एक ही स्टोरी इसके अंदर मगर उसने अपने आखिर में वो डाला है। तो इसमें आते हैं काफ़ी ज़्यादा, ये सब एक एक आ रहे हैं, मतलब इनके अंदर ये भी एक ही है सिंगल। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें, इसको यहाँ से आपको पता ही है अगर आप यूट्यूबर है कैसे डाउनलोड करना है तो ट्यूबमेट के ज़रिए डाउनलोड होते हैं या फिर स्नैप ट्यूब के ज़रिए, ठीक है। तो मैं स्नैप ट्यूब यूज़ करता हूँ, तो यहाँ से इसके लिए आपको बता देता हूँ तरीका। मतलब स्नैप ट्यूब आप पहले डाउनलोड कर लें, लिंक आपको YouTube पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको कॉपी करेंगे तो उसके बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे आपको ये डाउनलोड करने के ऑप्शन बना हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से आप क्लिक करके कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसको मेरे पास पहले का मैंने अपने लिए डाउनलोड किया, इनमें से इंट्रो चूज़ करके ये देखें इसके जिस तरह ये है, इनमें अब काफ़ी ज़्यादा है। तो आप बताऊँगा मैं आपको कि इनमें से आप अपने लिए अगर आपको यहाँ से कोई चूज़ करना है, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है तो ये कैसे, तो इन ये आपको बनाने के लिए आपको अपने ऐप की ज़रूरत होगी, इसका नाम है काइन मास्टर, ठीक है। तो मैं अब अपने काइन मास्टर में चला जाता हूँ। तो काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप मीडिया ब्राउज़र पर आ जाए और यहाँ से जो भी आपने यहाँ से मैंने स्नैपचैट से डाउनलोड किया तो मेरा ये पड़ा था यहाँ पर, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, क्लिक करके। तो ये मेरा वीडियो आ गई, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये टॉप 5 वाले डाले हैं, ठीक है। तो इसमें से मतलब देखिए अब आपने चूज़ कर लेना आपके मतलब कि कौन सा आपको अच्छा है, मतलब ये 5 नंबर वाला है, उसके बाद या 4 नंबर। तो मैं यहाँ से अपने लिए चूज़ कर लेता हूँ 1st नंबर वाला, ठीक है। तो अब आपने कट कैसे करना है कि अब आपने जो चूज़ करना है उसके लिए देखना है कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। मतलब अब मैंने 1st वाला किया तो उसको मैं देखता हूँ कि वो स्टार्ट यहाँ से मतलब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बस ये यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है तकरीबन, ठीक है। पर आप इसका रिजल्ट देख लेंगे, मैं इसको रख के भी कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो आपने इसको यहाँ से ऊपर इसके बाद यहाँ से इसको आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो उसके बाद यहाँ पे सीजर वाला एक ऑप्शन आएगा मतलब कट। तो यहाँ से आप इसको कट कर लें, पहले आप इसको कर लें अपना लेफ़्ट साइड से कर लें बेशक सीजर से भी, तो ये लेफ्ट से मेरा कट चुका है अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप क्लिक कर दें, मतलब जो इससे पीछे भी जितना भी था वो कट गया, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपके मतलब बीच में से आपने सेंटर में से कोई लेना है तो आप उसके बाद यहाँ से उसके एंड से रख के जैसे ख़त्म हो रहा है आपका, यहाँ से आप रख के उसके ऊपर दोबारा क्लिक कीजिए अपने इंट्रो के ऊपर और यहाँ से सीधे पे रख के और राइट से कर देंगे अगर कट, तो सारा ये आपका राइट वाला भी कट हो जाएगा और बीच में आ जाएगा। मेरा एंड पे था इसलिए मेरा ये सिर्फ यही रहेगा, एक तरफ से मुझे कट करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद मैं आपने बता देता हूँ टेक्स्ट कैसे लिखना है अपना यहाँ पर। तो ये ओपन मतलब चला लें अगर आप देख लें तो इस तरह, तो अब बीच में यहाँ पर टेक्स्ट तो कहीं नहीं डलेगा। तो टेक्स्ट के लिए देखेंगे जिस तरह अब ये बॉक्स आया बना हुआ ये वाला, तो यहाँ पर अच्छा लगेगा। तो अब आपने देख लेना कि ये बॉक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो ये बॉक्स इधर प्रॉपर बनने लगा होगा तो आपने वहाँ तक से अब यहाँ से मतलब बॉक्स यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसके पर यहाँ पर रखना है ये पॉइंट, उसके बाद ये आपने यहाँ पर जाना है अपनी लेयर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट लिखना है अपने जो भी चैनल का नाम है वो लिख लें, मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर मुगल टैग। उसके बाद यहाँ से आप इसको क्लिक ओके कर दें, उसके बाद आप इसको साइज जितना बड़ा करना है आप कर लें। यहाँ से आप अपना इसको यहाँ पे इस बना हुआ है आप इसको यहाँ पे कोई सा भी अपना इसको चेंज कर सकते हैं फॉन्ट वगैरह, ठीक है। यहाँ से मैं ये रख लेता हूँ सिंपल ताकि बड़ा वाजे नज़र आए क्लियर, तो देखें ये अच्छा लग रहा है बड़ा। उसके बाद आप यहाँ से इसको
यहाँ से जो आप नीचे इन एनिमेशन भी रखते हैं, मतलब कोई सा भी ये कैसे आया, कैसे है, कैसे आया आपको शो, मतलब आते सारी ऐसे, तो मैं इसको कोई भी नहीं रखता, ठीक है। बहरहाल आप इसको इसको दोबारा क्लिक करिए टेक्स्ट पर, और यहाँ सारा कुछ अल्फा वगैरह इसका जो मतलब अगर आपने हल्का करना है, लाइट शो करना है तो वो भी कर सकते हैं, शेडो आपने रखना है तो ठीक है, क्लोज करना है तो इसको बंद करते हैं, बेशक मैं इसको रख लेता हूँ। तो सारा कुछ आप कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह भी डाल सकते हैं, उसके बाद जो भी आपको ये कॉर्नर से आप इसका कलर वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसका यही रहने देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको सिर्फ बताना है, बाकी आप खुद अपनी मर्जी से बना सकते हैं कोई तभी। तो अब मैं इसको चले बना के देख लेता हूँ, तो मैं ओपन कर लेता हूँ, मतलब अब वीडियो चला लेता हूँ। तो देखें मैं वीडियो मेरी चल रही है, तो ये जैसी आया तो मेरा नाम शो हो गया, ठीक है। तो जैसे ही ये ख़त्म हुआ तो देखें अभी तक ये नाम चाह रहा है, मैं इस पर थोड़ा सा कट कर लेता हूँ नीचे से वीडियो को, कि मतलब इतना रहे कि जैसे ही वो ख़त्म हो तो ये भी ख़त्म हो जाए इससे, ठीक है। मतलब मैं इसको यहाँ तक रख लेता हूँ, तो बस ठीक है, यहाँ से जैसे ही वो वीडियो भी ख़त्म होगी तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं चला के देख लेता हूँ, बल्कि टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से इधर कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी बाहर है। तो बस बहरहाल आप खुद ही सेटिंग वगैरह भी कर लीजिएगा अपने, इधर आपको अच्छा लगे। बहरहाल मैं तो अभी रफली बना रहा हूँ, ठीक है। तो चले मैं इसको दोबारा चला देता हूँ एक दफ़ा और आपको दिखा देता हूँ कि कैसा ये बना है मेरा इंट्रो। तो ये आप देख सकते हैं मेरा इंट्रो तकरीबन बन चुका है। तो ये देखें जैसे ही ये जाएगा तो साथ ही ये भी ऑफ हो जाएगा टेक्स्ट, मतलब इसको नीचे टेक्स्ट छोटा कर लेना। तो यहाँ से उसके बाद आपने कॉर्नर से इसको क्लिक करना है, उसके बाद ये आपको ये यहाँ पहले वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपको इस पर क्लिक करके और यहाँ से सेव वीडियो करके उसको यहाँ से हाई डेफिनेशन में जिससे भी आपने सेव करना है, तो मैं इसको हाई डेफिनेशन में सेव कर लेता हूँ। तो ये सेफ हो रही है बस। तो ये काफ़ी आसान है, अगर आप अपने काफ़ी अच्छे यहाँ से आप अपने चूज़ करके काफ़ी अच्छे से अच्छा भी अपने लिए इंट्रो मोबाइल से बना सकते हैं काफ़ी आसानी के साथ, ठीक है। तो ये मेरा सेफ हो गया इंट्रो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये पसंद आई है तो उसको ज़रूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।